जी, अक्सर देखा जाता है कि वास्तु दोष होने के कारण घर में गृह क्लेश भी बढ़ता है। तो जातक को वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए घर के किचन में क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनके घर से वास्तु दोष भी समाप्त हो जाए और कई दोष भी और समाप्त हो जाए। हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। घर में जो किचन बनता है वह किचन तो वास्तु के हिसाब से अग्नि कोण में होना चाहिए, और यदि किसी कारणवश आपका किचन कहीं दूसरी जगह बन गया हो तो उसमें वास्तु दोष हो जाते हैं। और आपका किचन यदि अग्नि कोण में भी है फिर भी घर में कलह लगा रहता है, आपस में मनमुटाव होता है, तो एक कहावत है कि जदन्नम भक्षते बुद्धि तादृशी भवे, जैसा अन्न वैसा मन। इस हिसाब से आपका जिस जगह मेन चीज है मनुष्य के जीवन में भोजन, तो यदि भोजन सही जगह पर हो, सही स्थान पर हो, तो आपके घर में भी तरक्की होगी, आपका व्यवहार भी अच्छा होगा, घर में सभी परिवार आपस में मेल जोल के साथ रहेंगे। तो भाई, यदि आपके परिवार में गृह कलह हो रहा है, आपस में मनमुटाव होता जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके किचन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है। कोई ऐसा चीज है जिससे आपके किचन में नकारात्मक ऊर्जा हो रहा है, तो नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए छोटी सी उपाय यदि आप किचन में प्रत्येक दिन करते हैं तो आपके किचन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वैसे भोजन को आप करेंगे सकारात्मक ऊर्जा वाला, तो आपके घर में कभी मनमुटाव नहीं हो सकता है, घर में कलह नहीं हो सकता है। तो करना क्या है, आप जैसे जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने वाली को सुबह स्नान करने के बाद किचन में एक छोटा सा बर्तन रखें, उसमें एक कपूर रख दें और एक लौंग उस पर रख दें और उसको माचिस की तल्ली से जला दें। कुछ करना नहीं है, सिर्फ कपूर और लौंग को कोई बर्तन में रख करके जला देना है और जलते छोड़ देना है। जैसे ही ऐसा, तो आपके उस किचन का नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और वह सकारात्मक की ओर बढ़ेगा और आपके घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा, क्योंकि ये भोजन का प्रभाव होता है।